नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं रूट के बारे में। रूट क्या होता है, रूट किट क्या होता है। अभी तक आपने सुना होगा रूट का मतलब अपने मोबाइल फ़ोन को रूट करना, जिससे हम उसमें अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, फैक्ट्री सी जो सेटिंग्स होती हैं उनको चेंज कर सकते हैं, कस्टम रोम डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी तक लोग रूट का मतलब यही जानते हुए आए हैं, लेकिन रूट की एक असली परिभाषा, एक असली डेफिनेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कंसेप्ट बताऊँगा रूट का क्या है, आपको जानकर काफ़ी मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। रूट क्या होता है, रूट एक प्रिविलेज होता है, जो हाईएस्ट प्रिविलेज होता है किसी भी सिस्टम में, सबसे हाईएस्ट जो प्रिविलेज होता है वो उसे रूट कहते हैं। अगर आपके पास किसी भी सिस्टम का रूट कंट्रोल है, मतलब आप रूट हैं, रूट प्रिविलेजेस हैं आपके पास किसी के, तो आप किसी भी रोक टोक के बिना किसी भी सिस्टम में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास काले लिनक्स में जो आप यूज़ करते हैं उसमें आप रूट प्रिविलेज है, मतलब आप रूट यूज़र हैं, दैट मीन्स कि पूरा कंप्यूटर का जो भी कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। कोई भी फायरवॉल या कोई भी चीज़ आपको कुछ भी करने से, सिस्टम में मॉडिफिकेशन करने से, कोई भी फाइल डिलीट करने से आपको नहीं रोक सकती। इस रूट प्रिविलेज को विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलते हैं, एडमिन अकाउंट बोलते हैं ना, उससे आप काफ़ी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। वही चीज़ अगर लिनक्स में देखी जाए और गीकी टर्म्स में देखी जाए तो उसे रूट प्रिविलेज कहा जाता है। अब यहां से उठ के चीज़ एंड्रॉयड में रूट आई है, एंड्रॉइड से उठ के काले लिनक्स में रूट नहीं आया है। काले लिनक्स, लिनक्स सिस्टम और बेसिकली कंप्यूटिंग जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे हुई थी, वहां से रूट उठ के आई है चीज़ रूट, और फिर ये एंड्रॉइड में इंट्रोड्यूस की गई, कि जैसे कि आप जानते हैं कि एंड्रॉइड भी लिनक्स पे ही चलता है। अब हम बोलते हैं मोबाइल फोन को हमने रूट कर दिया, दैट मीन्स हमने रूट प्रिविलेज हासिल कर ली एंड्रॉइड में। और जो हम रूट करते हैं, आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, आपको आप उसको एक तरीके का रूट किट भी कह सकते हैं। मोबाइल फोन को रूट करना एक तौर पर वायरस ही है, मालवेयर डालना ही है, एक तरह की मालवेयर आप कह सकते हैं जो डाल रहे हैं आप एंड्रॉयड में, उसी को रूट करना कहते हैं। वो आप उसको बैकडोर भी कह सकते हैं, इवन आप उसको बैकडोर कह सकते हैं, उसको टेक्निकली उसे काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी है रूट की, जो सारी जो सिस्टम फाइल्स हैं उनकी सिक्योरिटी को वो तोड़ रहा है, वो एक बैकडोर है। आपको पता है बैकडोर का क्या काम होता है, वो सिस्टम में घुस जाता है और एक हैकर के लिए रास्ता छोड़ देता है अटैक करने का। रूट जो हमारे एंड्रॉयड है उसकी सिस्टम फाइल्स होती हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, जहां पर एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर जहां पर स्टोर होते हैं। अगर आपने अपना फोन रूट नहीं किया है तो इन सॉफ्टवेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब आप रूट करते हैं तो सुपर यूजर एक ऐप होती है, उसको आप रूट में इंस्टॉल कर देते हैं किसी तरीके से। तो आपका ये वो सैनिक है, आपका ये रूट जो सुपर यूजर ऐप है वो एक सैनिक है, वो एक ऐसा बैकडोर है टेक्निकली कहा जाए, जो आपके फोन के सिस्टम फाइल्स में चला गया, और वहां जाने के बाद वो एक रास्ता खोल देता है, वो अलाउ कर देता है किसी भी फाइल मैनेजर को, किसी भी ऑपरेशन को सिस्टम फाइल तक पहुंचने के लिए। तभी आप सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशन है उनको डिलीट कर पाते हैं। तो रूट हाईएस्ट प्रिविलेज होता है किसी भी सिस्टम में, उसके जरिए कोई भी फाइल डाउनलोड करके, डिलीट करके, इरेज करके, एडिट करके, कॉपी करके, कट पेस्ट, कुछ मतलब एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। समझ गए मेरी बात आप? लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लोग बोलते हैं सर ये तो ठीक है, रूट का मतलब तो पता गया, हाईएस्ट प्रिविलेज, अब ये रूट किट क्या होता है? देखिए रूट किट एक तरीके की गलत चीज़ होती है, एक वायरस आप कह सकते हो इसको, यू नो। रूट किट एक ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, एक ऐसा वायरस, एक ऐसा मॉलवेयर, ऐसी चीज हो सकती है जो आपके कंप्यूटर के रूट के अंदर चली जाए, दैट मीन्स वो ऐसे प्रिविलेज हासिल कर ले, ऐसा मॉलवेयर, ऐसा कोई भी गलत चीज जो रूट प्रिविलेज हासिल कर ले आपके कंप्यूटर में, और वो फिर उसको इन्फेक्ट कर दे, सिस्टम को मॉडिफाई कर दे, फाइल्स क्रिएट कर दे, एक तरीके का वायरस ही हो गया ना ये तो, ठीक है। अब रूट किट तीन तरीके के होते हैं ये बेसिकली। पहला जो होता है वो कर्नल को इफेक्ट करता है, वो आपको पता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कर्नल है, जो भी चीज़ है वो अपने आप से कोई फाइल जनरेट कर देता है, मालवेयर वगैरह बना देता है, बैकडोर वगैरह बना देता है, राइट। उसके बाद यूज़र मोड्स होते हैं, जो आपकी विंडोज़ ऑन होती है तो अपने आप वो फाइल्स ऑन हो जाती हैं, वो उसको इफेक्ट करता है रूट किट, और ये बहुत ही मुश्किल होता है निकालना इसका। वैसे तो जितने भी एंटीवायरस वगैरह हैं ये सब अलाउ करते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को हटा सकते हो, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अगर आपने अपडेट नहीं कर रखा है तो एक ही चारा बच जाता है, पूरी हार्ड डिस्क को इरेज कर दो,
पूरी तरीके से और फिर से इंस्टॉल करो, तभी रूट किट हट पाता है, क्योंकि ये रूट अंदर रूट में चला जाता है ना, सबसे अंदर घुस जाता है और ये दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी इन्फेक्टेड कर देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटाएंगे तो विंडोज़ क्रैश हो जाएगी, एंड इवेंचुअली आपको सारी चीज़ें हटा के फिर से इरेज करके हार्ड डिस्क में सब कुछ नया डालना पड़ेगा, राइट। अब लास्ट में जो होता है वो MBR रूट किट बोलते हैं, जिसे बूट किट भी कहा जाता है। ये MBR रिकॉर्ड्स में आपके कंप्यूटर की बूट में चली जाती है, ये जो बूट रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट होता है तो MBR रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करता है, जैसे ही बूट होता है मतलब जैसे ही ऑन होता है वो वायरस ऑन हो जाता है, उसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो बूट रिकॉर्ड में है। बूट रिकॉर्ड का एक्सेस एंटीवायरस के पास होता है, बाकी नॉर्मल सॉफ्टवेयर तक नहीं होता है उसका एक्सेस। अगर आपका एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है तो वो रूट किट को हटा नहीं पाएगा, आपके पास एक ही चारा बच जाएगा। एंटीवायरस भी आपका अच्छा नहीं है तो आपको एक ही चारा बच जाएगा, पूरी हार्ड डिस्क को इरेज करो फिर से सारी चीज़ें डालो, बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है एंटीवायरस को अपडेटेड रखो, ऐसे एंटीवायरस का इस्तेमाल करो जो रूट किट वगैरह निकाल पाए। अवस्थ वगैरह जितने भी पेड वर्जन है, कैस्परस्काई काफ़ी अच्छा है, इवन विंडोज डिफेंडर भी काफ़ी हद तक रूट किट में मदद करता है हटाने में अगर आप अपडेटेड रखते हैं तो। अगर आज के ज़माने में 2006 का एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपकी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इवन आपका सॉफ्टवेयर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि नया कौन सा वायरस निकला है, बेचारा 2006 की डेफिनेशन लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए एंटीवायरसेस को अपडेट कीजिए, अपने कंप्यूटर में अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि रूट का कंसेप्ट आखिर आया कहाँ से है। बहुत लोगों ने बात की है एंड्रॉयड को रूट करो, अरे मेरे भाई बताओ तो सही रूट का कंसेप्ट क्या है, जड़ में तो जाओ उसकी। तो आप समझ गए, कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया, रूट किट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके फोन में, और फिर आपको देख सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं बार के लिए, बाद के लिए, और मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं नहीं चाहता आप मेरी कोई वीडियो मिस कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।